गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्कूल बराबर जोधपुर। माय सेल्फ सुनील गुप्ता, टुडे आई एम गोइंग टू टीच मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। जैसा कि क्लास 8 का मैथमेटिक्स में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सिंप्लीफाई। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे फर्स्ट है 12/8 × 16/10 + −3/9 × 18/−16। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो हर एक ब्रैकेट को पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम क्रॉस काटते हैं कट जाता है तो काट देते हैं, 8 बन जाए 8 × 16, फिर आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10, फिर आपसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 × 18, 2 × 8 = 16, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 12 का ऊपर 1 में, नीचे 1 का मल्टीप्लाई 5 में, प्लस अगले सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई 1 में और 1 का मल्टीप्लाई 8 में, क्योंकि यहाँ से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहाँ भी कंप्लीट डिवाइड हो, उसके प्लेस पर 1 बचा है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 12/5 + 3/8। अब आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 5 × 8 = 40, 8 × 12 = 96, 8 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 × 3 = 15, ऐड कर देंगे इसको, ऐड करने पर आपको मिलेगा 111/40, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख चलते हैं। इसी 6 का सेकंड क्वेश्चन है 16/15 × −20/4 फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 20/15 × −6/5 सेकंड ब्रैकेट। अब आपको करना क्या है, क्रॉस काटना है, 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 5 × 4 = 20, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, बस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, फिर प्लस यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में और 5 का मल्टीप्लाई 1 में, बस सिंपल कर लो, 4 × 4 = 16 − 16/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8/5, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 3 × 5 = 15, 5 आया, 16 का 5 में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, −5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24, दोनों माइनस है ऐड हो जाएगा, −104/15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी सॉल्व हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/5/7 लीटर मिल्क एट 16/1/2 पर लीटर। रेट दिया है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर का मिल्क कॉस्ट कितना दिया है, 16/1/2 रुपीस। तो 1 लीटर का कॉस्ट दिया गया है, आपको 3/5/7 का कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ 3/5/7 लीटर ऑफ मिल्क। जैसे क्या होता है कि जब भी हम कभी भी एक का अगर वैल्यू दिया है, जैसे 1 बुक का प्राइस दिया है और बुक का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही 1 लीटर का दिया गया है, इतने लीटर का निकालना है तो मल्टीप्लाई आपको करना है, क्या होगा, 16/1/2 × 3/5/7, बस इसी को सिंपल करना है, 16/32 × 32 × 33/2 × 7 = 21, 21 × 5 = 26/7, अब इसको काट देंगे 3 से, ये आपका 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रुपीज
33 का मल्टीप्लाई 13 में अपॉन 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 जा 39 में 3 ऐड होगा 42 अपॉन 7, ये आपका आंसर हो गया। इसको होल में जोड़ देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ट्रेन इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है इतनी स्पीड से चल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन इतना आवर, मतलब 1 आवर में इतना जा रहा है, 11 आवर में कितना जाएगा, इसका मतलब 6/2 आवर में कितना जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by train in 1 hour, तो 1 hour में कितना डिस्टेंस जा रहा है, 65/3 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ पर आवर का मतलब 1 hour में इतना जा रहा है, कितने आवर का निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by ट्रेन कितने आवर में आपको निकालना है, 6/2 आवर में इक्वल हो जाएगा, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 65/3 मल्टीप्लाई बाई 6/2 होल तोड़ दीजिए, 35 by 15 18 1 19 1 ऐड होगा 196/3 होल तोड़ने पर आएगा, इसका मतलब पूरा सोल्यूशन मल्टीप्लाई 6 × 12 = 13/2, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 98 आएगा, बस मल्टीप्लाई कर देना है, 98 × 13/3 मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 104 13 × 117 में आपको करना क्या है, जो इसका 10 हासिल आया था उसको ऐड कर देना, 127/3 होल में तोड़ देंगे, आपको इतना आंसर मिल जाएगा, तो इतना किलोमीटर जाएगा उतने आवर में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, अब इसको होल में जो चेंज करेंगे तो ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। तो इसी के साथ आपका यह एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही बताऊंगा, थैंक यू वेरी मच।